वेलकम टू मॉड्यूलरिटी सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि टैली में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो कैसे करते हैं। अगर टैली में आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो फिगर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टॉक या इन्वेंट्री जो है वो अगर आप टैली में मेंटेन नहीं करते हैं या फिर किसी एक्सेल शीट में करते हैं या किसी मैन्युअली किसी डायरी में लिख कर करते हैं या दूसरा कोई सिस्टम है जो आप टैली स्टॉक मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्लोजिंग स्टॉक जो कुछ भी है उसका टैली में रिकॉर्डिंग कैसे होता है, अकाउंटिंग कैसे होता है और उसका फिगर जो है उसका जो कुछ भी अमाउंट है वो टैली में कैसे लाते हैं, वो ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, मतलब हमारे जो नए वीडियोज़ में आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको आपके इनबॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि टैली में क्लोजिंग स्टॉक की डायरेक्ट एंट्री जो है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है F11 प्रेस करके फीचर्स में। यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखते हो तो राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर जो है वहाँ पर F11 का फीचर्स का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में और यहाँ पर वो पूछ रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स ओनली, तो यहाँ पर आपको नो ही करना है। और नीचे वो पूछ रहा है कि इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, तो वहाँ पर आपको नो करना है। अगर ये चेंजेस आप नहीं करते हैं तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बराबर से सिस्टम में दिखेगा नहीं। तो ये सेटिंग हमारा चेंज हो गया है। तो वापस चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली से हम जा रहे हैं अकाउंट्स इन्फो में और वहाँ पर जा रहे हैं लेजर्स में, क्योंकि हम एक नया लेजर अकाउंट जो है वो बनाना चाहते हैं। उसका नाम रहेगा क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन हैंड, ऐसा कुछ भी, और वो रहेगा स्टॉक इन हैंड ग्रुप्स के अंडर। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ क्रिएट में, यहाँ पर मैं स्टॉक के नाम से एक लेजर अकाउंट जो है वो बनाना चाहता हूँ और इसका ग्रुपिंग जो रहेगा वो रहेगा मेरा स्टॉक इन हैंड का। स्टॉक इन हैंड के अंडर ये ग्रुपिंग बन जाएगा। तो अब यहाँ पर नीचे मुझे वो पूछ रहा है कि बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये है मेरा ओपनिंग स्टॉक। अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू डालनी है ये अकाउंट के अंडर तो मैं यहाँ पर डाल सकूँगा। तो मान लो मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है वो है 25,000 का, तो 25,000 जो है वो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है वो हो गया है। मैं वापस बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर लेजर्स के अंडर मुझे एक ऑल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है, तो मैं यहाँ पर ऑल्टर में जा रहा हूँ और यहाँ पर स्टॉक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे अंडर ग्रुप जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है जो मैंने अभी अभी डाला था तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद में वो मुझे पूछ रहा है क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा आएगा 31 मार्च का। तो मान लो कि 31 मार्च 2019 का भी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है मेरा 25,000, तो वही मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो ये पूछ रहा है ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो मुझे करना है। तो वापस मैं चल रहा हूँ गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर दिखाना चाहता हूँ कि ये इसका प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होगा। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ओपनिंग स्टॉक जो दिख रहा है मेरा 25,000 है और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी मेरा 25,000 है, जो कि फिगर्स जो थे वो मैंने ही इंसर्ट किए थे। तो अगर आप यहाँ पर एंटर करके देखते हैं तो आपको यही दिखता है। तो यहाँ पर आप चाहिए तो ये चेंज कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वैसा ही क्लोजिंग स्टॉक का है। अब चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में स्टॉक जो है वो कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट में आ गया हूँ। यहाँ पर करंट एसेट्स के अंडर अगर आप देखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक करके 25,000 मुझे बैलेंस दिख रहा है।
तो ये इस प्रकार अगर आप किसी दूसरी सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक या अपना अपना जो स्टॉक है वो मेंटेन करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये फिगर टैली में इंसर्ट करना है तो आप ये प्रकार से कर सकते हैं। इसमें बहुत से आपके जो प्रॉब्लम्स रहते हैं कि हर बार आपको फिजिकली एंट्री करना ज़रूरी नहीं होगा, अगर कोई एंट्री छूट भी जाती है तो आप वो मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मायने रखता है वो है खाली अमाउंट, और वो मैन्युअली आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।